हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु रश्मि लेंका किचन यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम अति सहज उपाय केवल क्षीर में घरे दही प्रस्तुत करवा। दही तो आपण मानक मार्केट रे इजिली मिल जाऊ, किंतु मार्केट रो दही ठारु घर तैयारी दही बहुत हेल्दी होता है। आउ एबे खरा दिन चली, समस्त घरे दही निहाती आवश्यक होता, तेणु करके आमको बार बार मार्केट को जाएंगे दही किणवा किसी दरकार ना। तेज चलते घरे आम अति सहज उपाय आज प्रस्तुत करवा दही। दही बनवाई मुझे नहीं देढ़ लिटर होल मिल्क, आपण एटी गाई क्षीर कि मईसी क्षीर यूज करें दही बनवाई। तो बर्तमान आम कौन कर गैस फ्लेम को हाई करदे आउ क्षीर को टी प्रथम फुटाप छाड़द। देखु क्षीर एटी फुटी आसला, तो बर्तमान आपको आम एम चला। एम कौन करा गैस फ्लेम को लो करदे, लो फ्लेम रखिकी आउ आपको आम 5 मिनट पर्यटन फुटे ना, जो थे कि क्षीर थोड़ा पा अंश टे मरीज आ क्षीरटा टी बहिया हो। देखु ये 2-3 मिनिट हो गला, क्षीर ये भलसे फुटीगला पूरा। तो आपको आउ 2-3 मिनिट फुटे ना क्षीर को टे भलसे गाढ़ा करने जहाद्वारा कि दहीटा पूरा भल बहिया बनब। आ क्षीर में बिलकुल भी पा देवे, पा दे दहीटा भल हेनी। तो आमको गाढ़ा दही बनवर अच्छे, तेणुक बिलकुल भी पा देवे, बिना पा एम भलसे फुटे ने। तो टोटाल ये 6-7 मिनिट हो गला, क्षीर ये भलसे फुटिकी पूरा गाढ़ा हो गला। तो आपको आउ फुटे बिलकुल दरकार ना। तो यहाँ पूरा हो गला, तो आम कौन करना गैस को ऑफ करदे आउ क्षीर को टे थंडा करने छाड़द, संपूर्ण थंडा करेंगे ना, टे उषुम थी अवस्था पर्यंत क्षीर को आम थंडा करवा। तो देखो किसी समय पर क्षीरटा टे थंडा होसला। तो ये कौन करना आंगुठी पूरेकी देखिए मान क्षीर केई, तो बेसी आपको थंडा करेंगे ना कि बेसी गरम भी नथिबो, जमती मानते उषुम थी आम हाथा मानते क्षीर भितर पशी हाथ संभा पार्थव से उषुम थी अवस्था आम कौन करना एके दही एवं आड करवा। दही आड करने पूर्व आम कौन करना ये क्षीर को जो थे दही जमेबे से ही जगह को आम ट्रांसफर कर ना। आपण जेकोसी पात्र दही जमे पारे, तो मुझे एमती गोटे काचर गोटे पात्र यूज कर दही जमेपी। आपड़ चाहिए मटी पात्र यूज करें, ना स्टील ना जो जेकोसी पात्र दही जमे पारे। दही जमेपी आमको टी दही दरकार, तो मुझे नहीं 4 चामच दही। तो आपण मैंने मार्केट मिलूबा डबा दही हो कि पैकेट दही हो से यूज करेंगे। आ दही को गोटे थर एमती जमे सारापर से दही टी रखिक बार बार आप दही बन पारे। तो ये आम कौन करा दही को टे भलसे फेंटी ना। तो मोर जने साउथ इंडियन फ्रेंड थे, मुझे घर दही आणिक दही जमाए आ दही बहुत टेस्टी बने। तो देखो ये दही के भलसे फेंटी देले, एबे कौन करिया ना ए दही को लेकिन ए क्षीर में आड कर ना, भल भाव आम गोल ना एमती भलसे आपको मिक्स करने बे। तो गोटे थर आप दही बनईदे आपको स्टोर करके रखिने फ्रिज्रे, आते दही सरी आस 2-3 चामच थोपर पुणी क्षीर गरम करके से दही नेक्स्ट पुणी दही बनइबे, एमती आपको कंटिन्यू करके चलिए। तो फ्रिज्रे स्टोर कर रखिए खाइबे, प्लस सरी आसला बेलू पुणी दही बनई पुणी स्टोर करके रखिए। तो मार्केट जी आपण मानक बिलकुल भी दरकार ना। तो देखते आपको आम भल भाव मिक्स करदे, तो ये आपको आम कभर कर ना। आभर करके आपको आम 3-4 घंटा एमती छाड़द, जहाद्वारा कि दही भलसे जमीज जेकोसी गोटे उषुम जगह देखिक आपको रखिने दही शीघ्र जमीज। खरा दिन हेल्ले 3-4 घंटा भितर दही होती, शीत दिन होता है आमको 5 घंटा लगे दही को जमेपी। तेज चलते आपको लेकिन आम गोटे उषुम जगह नहीं रखि ना, जदि ओभेन थी कि माइक्रोवेव थोड़े से रखीदे ये शीघ्र दही बनीज जमीज। 3-4 घंटा पर मुझे चेक करी दही पूरा भलसे सेट होता। दही सेट है सांग सांग खाइबे ना, कौन करें ना नहीं फ्रिज्रे 2 घंटा रखने वे, जहाद्वारा कि दहीटा आउ टे भलसे गाढ़ा हो जाए खाइबे। ये टोटाल 6 घंटा ही 4 घंटा बाहर आउ 2 घंटा फ्रिज्रे। तापर मुझे आपण काटिकी देखा, देखूँ दही ये भलसे पूरा सेट हो दही के मोटा और बहिया बनी चाहिए आप देखिपे। मुठी 1.5 लिटर क्षीर में दही बनई आठ मुझे 4 चामच दही आड करी। दही ये पूरा परफेक्ट बनी। आपण मैंने जदि कम क्षीर में दही बनइबे ताहले कम दही आड करेंगे, आदि अधिका क्षीर दही बनइबे ताहले अधिका दही ये आड करेंगे,
କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ସେହି ହିସାବରେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଡବା ଦହି କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହିରୁ ଥରେ କିଣି ଆଣିକି କ୍ଷୀରରେ ଦେଇକି ଏମିତି ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଆଉ ସେହି ଦହିକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବାର ବାର ଦହି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ଦହି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି, ଖାସ କରିକି ଖରାଦିନେ ଦହିର ୟୁଜ୍ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦହି ପଣା, ଦହି ସର୍ବତ କିମ୍ବା ଦହି ଲସି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦହି ପଖାଳ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗରମ ଭାତରେ ରାଇତା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦହି ବନେଇକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।